और जेनको का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब हम मूव ऑन हो चुके हैं ओपन जावा। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था कि वो जावा में काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था, तो हम ओपन जावा से स्टार्ट लेंगे एंड इंशाल्लाह देन डाटा स्ट्रक्चर्स को रीड आउट करेंगे ओपन सी प्लस प्लस। एंड इस तरह हम लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में ओपन जावा का कोर्स एज सच मेरी वेबसाइट पे पड़ा है और उसमें से मैंने का दो तीन स्लाइड्स को लॉन्च किया है, बाकी को मैं लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह जल्द, जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जाते हैं और साथ साथ मैं अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, आपने सिंपल आके ज्वाइन कर लेना कोर्स। अगर उसके बाद अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि रिव्यूज़ लाजमी देना मत भूलिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्यों इनसे ये होता है कि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगता है कि हमारा जो मेरा लिखा हुआ डाटा है या मेरे समझाने का तरीका है वो कितनी हद तक मैं कामयाब हो चुका हूँ उसमें। ठीक है, अगर आप 5 स्टार्स हैं 3 स्टार्स हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी हो आप दें। ठीक है, रिव्यूज़ लाजमी दें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा बातें किए बगैर हम चलते हैं ओपन जावा। एग्जैक्टली आप लोगों ने ओप तो पढ़ ही चुके होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप इधर आके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होगा इसमें आके पूछ सकते हैं, या कम्युनिटी एक डिवेल्प हो जाती है जो कि आपस में आपके कोई भी क्वेरीज है ना उनको हैंडल इजीली किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये जावा में हम पढ़ने जा रहे हैं। और जावा बताते चलो कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसा कि सी प्लस प्लस सी पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरह अब इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, वेट के लिए माजरत। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम देखेंगे, जैसे कि हम सी प्लस प्लस में यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर सी प्लस प्लस में हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या ओवरव्यू देते हैं कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग है वो क्या होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रिज्यूमेबली यू आर फैमिलियर विद बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जो भी ओपन जावा करना चाह रहा है उसका बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो होगा ऑलरेडी, कि एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि लैंग्वेज होती क्या है। अगर नहीं पता तो हम उसको भी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। यू शुड हैव यूज्ड मेथड्स इन योर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, पैराडाइम होते हैं प्रोग्रामिंग, जिस तरह एक प्रोसीजरल होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड मेथड्स। दीज मेथड्स आर बेसिक एंटिटीज यूज इन दिस टेक्निक। द फोकस दी फोकल पॉइंट, जो मतलब फोकस होगा ना, फोकल पॉइंट जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का इज टू यूज मेथड्स फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। ठीक है, उसमें हम रीयूजेबिलिटी का फैक्टर आता नहीं है, उसमें हम अगर एक कोड लिख दिया है तो हमने बिखरा बिखरा सा फंक्शन की सूरत में लिख देना, लेकिन उसमें जो कोड रीयूजेबिलिटी है ना वो नहीं हो सकती। ठीक है, फंक्शन में हम कोड यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ क्लासेज का कंसेप्ट आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऐसे ये यूजेबिलिटी को इनहांस कर देता है। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज बिकम ए डिफिकल्ट टास्क यूजिंग इस प्रोग्राम, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा मैच करती है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज इसमें और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एज सच एज नॉट ए गुड अप्रोच, इसे एक गुड अप्रोच नहीं कंसिडर किया जाता, तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होना हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर टू एज ओप इन प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट इंक्लूड्स और रिलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग, हम ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके मुताबिक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑब्जेक्ट आपके मुताबिक क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी है हम जिसको भी सोचेंगे उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम जो भी चीज होगी उसको ऑब्जेक्ट लेंगे। जिस तरह स्ट्रक्चर एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आ जाता है, स्ट्रक्चर हमें फंक्शन, हमें यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर नाम से। ठीक है, उसमें होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हम उसमें क्लासेस का कंसेप्ट लिखेंगे। क्लासेस क्या होती हैं आपको नहीं पता, कुछ नहीं होता, हम इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक एंटिटीज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और प्रोग्रामिंग वो नॉट मेक सेंस इफ वन कैन नॉट हैंड
मीट इफ वन कैन नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को हम मॉडल कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ही कैसी है अगर हम उसमें रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड सोल्यूशन को ही नहीं हैंडल कर सकते। और जो ऊप इज डिवाइडेड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इट्स नॉट सो इसमें, अच्छा उसमें ये आ जाती है, इसमें ऊप कॉन्सेप्ट आ जाती है। हम सब ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को हमने देख लिया क्या होता है। क्लासेस को ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या, एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑब्जेक्ट। और क्लासेस का जो आइडिया वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको मैं आपको बताता चलूंगा। उसके बाद जो इनकैप्सुलेशन को करेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब कॉन्सेप्ट्स को पिलर्स ऑफ ऊप कहा जाता है, वो इनको हम क्लियर करेंगे। एज सच में कोई टर्म ऐसे यूज नहीं कर रहा कि जिससे स्टूडेंट्स फेमिलियर ना हो, ठीक है, फेमिलियर हो तो उनको समझने में डिफिकल्टी है, क्योंकि ये कोर्स जो बिगिनर्स टू एडवांस लेवल सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हम बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स और ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बताएंगे कि वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से बेहतर क्यों है। ओप इज फास्टर, एग्जैक्टली, ओप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम, रीयूजेबिलिटी का फैक्टर कर देता है, इसमें ट्राई ट्राई मतलब कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ये एक कंसेप्ट पे चलता है कि ट्राई डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ओप मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, अच्छा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि अगर व्यू सही ना आ रहा हो तो हम इसको क्लियरली नोट कर सकें, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, अब इसमें आ जाते हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इट्स इट इज आल्सो ए बिहेवियर, ये बिहेवियर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, अच्छा तो स्ट्रक्चर में हमने अप्रोच में क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फास्टर होती है, ठीक है, और इसमें रीयूजेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, ये क्लासेस ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है उससे ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट्स में स्टेट्स एंड बिहेवियर आ जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं तो आप ये चार पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है, उसमें कि हमें क्यों बेहतर है, ठीक है, ये चार पॉइंट्स। और उसके बाद आ जाते हैं क्लासेस, एक क्लास कैन ब्लू प्रिंट होता है। क्लास क्या होती है, क्लास एक्चुअली एक ब्लू प्रिंट होता है, इसमें ना चीजें एक्चुअली, इसको मैं दोबारा ही ये इमेज एज सच मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसमें इशू आ रहा था कि मैं पहले भी चेक किया था कि इशू आ रहा था कि ये जो सारी की सारी मैंने तीन इमेजेस लगाई ये एक ही इमेज में मर्ज हो जाती है, इसको मैं एक बार लगाऊंगा, आप इसको चेक कर सकते हो कि क्लासेस में क्या होता है। ये आप इधर समझ सकते हैं, ये एक, ठीक है, डेटा टाइप बूलियन, एक डेटा टाइप है और एट्रीब्यूट है, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, एंड देन सच, ठीक है, मार्कर भी ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये है, ये मेथड्स हो गए, ठीक है, ये मेथड्स हो गए, इसको मेथड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। और सच हम नीचे मूव ऑन करते हैं कि हमें क्लासेस क्लासेस अब समझ आ गई कि क्लासेस क्या होता है। क्लासेस में जिस तरह हमने स्ट्रक्ट पढ़ा था ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, यहाँ हम क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मेथड्स को क्या कहते हैं, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस एक्चुअली, सॉरी रट ले। अच्छा, इलस्ट्रेशन में आप क्लियर हो जाएगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि सच वो स्ट्रक हो गई है शायद, तो मैंने पहले भी चेक किया था और इंशाल्लाह इसको एक दफा दोबारा देख लेंगे। अच्छा, अब आ जाती है जावा। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कैसा किरदार है, ठीक है। जावा इज ए प्योर, इज ए प्योर, ये आपने टर्म याद रखें, जावा इज ए प्योर, जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस आपको सबको भी याद पता होगा कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा जो है वो है ही प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो भी काम होता है वो सारा का सारा क्लासेस की सूरत में होता है। अच्छा, ये कोड है, इसको इस तरह कॉपी करिएगा और इस तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, दो तीन टर्म्स होती हैं कि जो आपने क्लास का नेम रखना है ना, जो आपने क्लास का नेम रखना है वही आपने अपनी जो फाइल होगी उसका नेम रखना है। अगर आप इसको सेव करते हो तो इसको रखना मेन डॉट जावा, ठीक है, मेन डॉट जावा इसका नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद इसमें आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स और मेन जावा
ओपीजे इज इक्वल टू न्यू। अगर आप इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, हम इनको एक एक चीज़ को लेके चलेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या। हम इधर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मीन मीन का हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इधर, ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उसके बगैर हम चल नहीं सकते। स्टैटिक जो होता है ना, स्टैटिक हमने ये स्टैटिक क्लास बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जो जो हमने मेन क्लास का, अब मेन क्लास को हमने यूज करना है ना, इसको स्कैनर के जरिए हमने गेट भी करना है, या फिर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, ठीक है। आपने इसको फॉलो कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको हैंडल करने की कोशिश करूँगा जो भी क्वेश्चन होगा आपका। और अगर आपके ज़्यादा कोई ज़्यादा कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ और है तो आप इसमें जाके फोन पोस्ट में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपकी अचीवमेंट्स जो हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ शो होंगी सब स्टूडेंट्स को। अगर आप एक गोल अचीव करते हो ना, गोल अचीव करते हो तो आपको एक रैंकिंग मिलेगी इधर, एक स्पेशल, और उस रैंकिंग में ये आपके बैजेस जो होंगे वो आपको चीफ मिले होंगे, ठीक है। उसके बाद ये इधर आप आके जो भी ये उस्मान के, ठीक है, मैंने गेट स्टार्टेड का बैच हासिल किया या मैंने कुछ जो बैचेस हासिल किए हैं, ठीक है, वो इधर शो होंगे। उसके बाद अगर कोई भी आप ब्लॉग रीड करना चाहते हो तो इधर से आके आप ब्लॉग रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं न्यू से न्यू ब्लॉग्स इसमें अपलोड करता रहता हूँ, आप उनको कर सकते हो, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एंड अलॉट मोर। आज के लिए इतना ही।